हरियाणा राजस्थान की सीमा मुंडा का बॉर्डर की बात करें तो मुंडा का बॉर्डर पर हम पहुंचे हैं और यहां पर मुंडा का सकरपुरी एक ग्राम पंचायत है जो हरियाणा राजस्थान की सीमा पर यह गांव पड़ता है और यह फिरोजपुर झिरका विधानसभा में आता है। आज पब्लिक की राय, जनता की राय, आखिर फिरोजपुर झिरका विधानसभा की जनता इस बार किसके सर ताज बांधने जा रही है। हमारे साथ कुछ गांव की सरदारी, मैं कहूंगा कि मौजूद लोग हैं, इनसे सीधा बात करते हैं आखिरकार क्या इनके मन में चल रहा है और हम इनकी नबज टटोलने का कार्य कर रहे हैं। नबज मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जो जनता है उनकी नबज टटोलनी बहुत ही जरूरी है। जनता अपना विधायक चुनती है, ऐसा विधायक चुनती है जो इनका विकास करा सके, इनके विकास कार्यों को आगे बढ़ा सके। और अब इनसे सीधा जानते हैं आखिरकार इस बार फिरोजपुर झिरका विधानसभा की जनता किसके सर ताज बांधने जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह सैनी है, मुंडा का से हूँ। अच्छा सैनी साहब, अगर बात की जाए तो इस बार फिरोजपुर झिरका किसको वोट कर रहे हैं? हम नसीम अहमद को वोट कर रहे हैं। ये बताइए आखिरकार नसीम अहमद भाजपा से हैं जी, कांग्रेस से बात करें विधायक मोहम्मद खान है, पिछली बार भी विधायक रहे, उससे इतनी नाराजगी कैसे है आप लोग? भाई मोहम्मद खान ने अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में ये इतना फसाद करवाया जो कि बहुत दर्दनाक फसाद है। ये क्या फसाद करा? 5-6 आदमियों को मरवाया, काफी सारा नुकसान करवा दिया, गाड़ी वाड़ी जड़वा दी वहां पे नुहू में। तो इस तरह मोहम्मद ने कैसे जड़वा दी? मोहम्मद का क्या रोल? मोहम्मद का ही रोल था उसमें, मोहम्मद की बात कर रहे हैं सब लोग जो जितने भी है क्षेत्र में। हाँ, और प्याज फोड़ने तक की बात उसने असेंबली में कही है उसने, मैं प्याज फोड़ दूंगा ये चीजें उसने कही हैं, वो चीजें सबकी जबान पर है। अच्छा एक चीज बताइए, जो है भाजपा या नसीम अहमद को क्या चुनना चाह रहे हैं? नसीम अहमद क्या विकास करा पाएगा आप लोगों का? विकास कराएगा, विकास को नहीं कराएगा, जब जुड़ के रहेगा, संगठन में जुड़ के रहेगा, बीजेपी में जुड़ के रहेगा। अब भी उतनी चली है उसकी तो नसीम अहमद। अच्छा आज भी नसीम अहमद की आज भी उतनी चली है? लोग बताते हैं वो तो फोन नहीं उठाते, सोते हैं नसीम अहमद तो। थोड़ी बहुत कमियां तो होती हैं, वो निराशा की स्थिति होती है उसमें, वो कर जाता है इस चीजें। हाँ। कहते हैं तो सभी कहते हैं उस चीज को तो, लेकिन वो चीज अब सही हो जाएंगे आगे चल। अच्छा अब सही हो जाएंगे जब उसको, यानी कि नसीम अहमद से खासी उम्मीद है आप लोगों को, नसीम अहमद का विकास करा पाएगा। पार्टी का कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है और आगे भी काम वो करेगा। चलिए ये जहां नसीम अहमद का नाम आ रहा है और नसीम अहमद इनके लिए लोकप्रिय भी है, और रही बात भाजपा के प्रत्याशी है फिरोजपुर झिरका विधानसभा से, आपका क्या नाम है? प्यारे लाल जी। अच्छा प्यारे लाल जी, क्या करने जा रहे हो इस बार? इस बार सर हम बीजेपी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में। अच्छा लाल जी, आपने तो अभी वोटिंग भी नहीं, पहले ही वोटिंग कर दिया जी अपनी तरफ से, तो पहले ही बधाई दे दी आपने बीजेपी को। हाँ जी, अपनी तरफ दिल से तहदिल से कह दी नसीम आएगा जी। नसीम आएगा? हाँ। नसीम के लिए इतनी दीवानगी कैसी आप? दीवानगी है जी, ये जो मोहम्मद खान है ऐसी बात नहीं है, एक फसादी आदमी, अगर इसको अपना घर समझे, एक घर समझे तो अपने ऊपर डिपेंड करके तो सबको वो कर देता है। ये तो नाराजगी और एक दंगा फसाद करने वाला इंसान है ये नसीम। प्यारा बंदा भाई है जो किसी से तू नहीं कहता अच्छा गाड़ी दे लो। अच्छा नसीम प्यारा है? प्यारा है, प्यारा इसलिए तो नहीं है कभी भाजपा में हो। ना 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 ना, ना। वैसे प्यारा जी, वैसे प्यारा जी, वैसे सही स्वभाव का आदमी। अच्छा विकास हो पाएगा क्या? हाँ जी हो पाएगा, हो पाएगा सरकार। देखिए नसीम अहमद से खासी उम्मीद है लोगों को, और उम्मीद ऐसी है कि एक आस जगी है नसीम अहमद के नाम से, लोग बड़े दीवाने हुए हैं। मुंडा का सकरपुरी ग्राम पंचायत की ये निष्पक्ष चुनावी सर्वे आप देख रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुंदन लाल है। अच्छा बुजुर्ग, क्या करने जा रहे हो इस बार, किसको सर पे ताज सजाने जा रहे हो? भाई हम पहले से तो बीजेपी का ही हूँ, आपके ये बीजेपी में आएगा तो इसी को देगा नसीब, कोई बीजेपी में ही आपके आया है, पहले नहीं था। अच्छा नसीब भी आया, पिछली बार तो आप लोगों ने हरा दिया था उसको, पिछली बार भी भाजपा से थे वो, तो हम तो अपनी तरफ से नहीं हराते, लेकिन अब पब्लिक का मूड जाने कहां कहां से कुछ हो जाता है, ये तो बात है। अच्छा लेकिन हम हमारी तरफ से। अच्छा ये बताइए मौजूदा विधायक है मोहम्मद खान, उसे यानी उसको वोट क्यों नहीं करना चाह रहे? अच्छा है, अच्छा बोलना जानता है। जान रहे, हम भी जान रहे हैं, क्योंकि उसका जो अत्याचार का काम है ना, जो भी किसी से धौंस दिखा देता है, किसी को मारने को धमकी दिखा देता है, उसका मतलब जो अत्याचार है या की वजह से गांव में भी अत्याचार जो कर देंगे ना उसकी पार्टी का, हम उससे भी नाराज रहते हैं। अच्छा हाँ, तो भाजपा पार्टी को वोट दे रहे हैं? भाजपा पार्टी को पहले से। आप ये बताइए भाजपा को वोट कर रहे हैं नसीम अहमद को? हाँ जी भाजपा को नहीं, नसीम अहमद को वोट कर रहे हैं या भाजपा को वोट कर रहे हैं, आप ये चीज बताइए।
पार्टी का तो बंधा हो ही है, लेकिन अब के उसका भाव नहीं, वो जो उसकी बात है ना पुरानी वाले किसी से मदद, जैसा आप बता रहे थे पहले कि फोन नहीं उठाते वो किसी का, अब वो इसका गलती को अपने को वापस ले रहे हैं वो। अच्छा, मान रहे हाँ। चलो ठीक है, यानी कि गलती भी मान ले तो अपनी बहुत बड़ी बात है। उस गलती की वजह से वोट है आपकी पंचायत में? हमारी पंचायत में पूरी में 1200 करीब वोट है। अच्छा, 1200 करीब पंचायत, कितने परसेंट यहाँ कांग्रेस को कितनी जाएंगी? हम दोनों गाँव से आपको 80% वोट देंगे यहाँ से। यानी कि किसको देंगे? हम नसीम को देंगे। नसीम अहमद को कितनी वोट देंगे? 80% देंगे। 80% वोट देंगे। देखिए, सीमा का अंतिम गांव है मुंडा का सकरपुरी, यहाँ आप दीवानगी देखिए, बुजुर्ग लोगों की, बच्चों की दीवानगी है, भाजपा के साथ हैं, पूर्व विधायक नसीम अहमद के ये लोग फैन भी हैं, कि मैं कहूंगा कि एक आशा जगी है, उम्मीद जगी है, अगर फिरोजपुर झिरका विधानसभा से नसीम अहमद के सर ताज बनता है तो। आपका क्या नाम? मुरारी लाल। अच्छा मुरारी जी। हाँ जी। किसको वोट कर रहे हैं? नसीम अहमद को। अच्छा, नसीम अहमद को क्यों चुनना चाह रहे हैं आप? नसीम अहमद एक लोकप्रिय नेता है। लोकप्रिय नेता है। हाँ, कोई किसी से झगड़ा, कोई फिसाद कुछ नहीं, सबके आता जाता है। ममन बना था पहली बार, जब बनकर 5 साल तक एक बार भी गांव में नहीं आया। अच्छा, मामन खान नहीं आएगा? नहीं आए गांव में, कोई नहीं आया पूछने के लिए क्या भाई पानी की व्यवस्था है, कोई नल की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था। नसीम ने क्या दे दिया, भाजपा ने क्या दे दिया आप लोगों को? भाजपा दे रही है, हमारी लड़की दी 10 रुपए नहीं दिए, लड़की लगी। अच्छा, भाजपा ने नौकरी दी है? हाँ जी। अच्छा, भाजपा ने नौकरी दी है? हाँ जी। और क्या दिया है आप लोगों को, जो आप इतने दीवाने हुए हैं भाजपा? तो भाजपा के तो हम सुख चैन रह ही रहे हैं, जो लोकप्रिय भी हैं उसके चाहते हैं। अच्छा, चाहते हैं। हाँ जी। नहीं, विकास कार्य बता दीजिए, कुछ विकास कराए? विकास कार्य, सड़क बन गई जी, पानी आ गया। हाँ। पहले पीने के लिए पानी नहीं था, 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। अच्छा। अब जो हमें शाम को डेली 1 घंटा पानी आता है। शाम को डेली 1 घंटा? डेली 1 घंटा। पहले नहीं आता था? दिन में भी आ जाता है कभी कभी। हाँ, पहले नहीं आता था, कांग्रेस राज में नहीं आता था। हमारी सड़क यहाँ से बॉर्डर से टूटी हुई थी, बनी नहीं थी, वो किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा, बीजेपी के राज में बनी है। अच्छा, भाजपा राज में आपकी सड़क बन गई? हाँ जी। तो देखिए, सियासत गर्मा चुकी है, फिरोजपुर झिरका विधानसभा की बात करें, और सियासत वे जनता का फैसला ये लोग करते हैं, ये आप सरदारी देख रहे हैं, जनता जिसको कुर्सी पर बैठाती है, जिसको सर माथे पर बैठाती है, अपने विकास के लिए, अपने इलाके के विकास के लिए उस व्यक्ति को चुनती है जो इनका भला कर सके, इनका विकास कर सके। लगातार अगर यहाँ देखा जाए, मुंडा का सकरपुरी ग्राम पंचायत की ये तस्वीरें हैं, और तस्वीर यहाँ मैं साफ कहना चाहूंगा कि हम ये दावा नहीं कर रहे, बल्कि ये मतदाता जो नेताओं का मुस्तकबिल चुनते हैं, अपना नेता चुनते हैं, वो मतदाता दावा कर रहे हैं, और दावा ये कर रहे हैं लगातार यहाँ नसीम अहमद का जनाधार बढ़ता नजर आ रहा है। नसीम अहमद की दीवानगी इस कदर इनके जो है दिल में है, इनके मन में है, और भाजपा के प्रति ये लोग दीवाने हैं। कांग्रेस का यहाँ कोई नाम नहीं है, आप खुले शब्दों में देख सकते हो। और ये लोग हैं जो मौजूद लोग हैं गांव के, आपका क्या नाम है? कमल चंदे जी। अच्छा कमल जी, क्या करने जा रहे हो इस बार? इस बार बीजेपी को जिताएंगे, बीजेपी के लिए वोट देंगे, नसीब अहमद के लिए। नसीब अहमद के लिए? हाँ जी। चुने शरीफ, चुने बढ़िया आदमी नसीम अहमद, और हम बीजेपी के। क्या बढ़िया है नसीम अहमद? चलिए, एक आप नसीम अहमद में कोई कमी नहीं है, वो ठीक है अपनी जगह, वो दंगा फिसाद वाला आदमी नहीं है, बढ़िया आदमी है। हम नसीम अहमद के लिए वोट देंगे, और हम पहले से बीजेपी के रहे। अच्छा। और नसीम अहमद को टिकट मिलने से और भी खुश है, बढ़िया आदमी को टिकट मिल गई, हम बढ़िया आदमी को टिकट मिल गई। तो अगर भाजपा पार्टी किसी और को टिकट दे देती फिर? जब भी बीजेपी के लिए देते फिर। अच्छा, आप यानी बीजेपी के हैं? हाँ, बीजेपी जिसको शीर्ष नेतृत्व जिसको उतारेगा उसके हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। ये पत्ता भी साफ कर दिया भाई, भाजपा को ये लोग वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? हरप्रसाद। हरप्रसाद जी, क्या कर रहे हैं इस बार? बीजेपी को देंगे वोट। अच्छा, नसीम के लिए। अच्छा, गांव में लाइट लूट आती है क्या? लाइट खूब आ गई। आती है? हाँ। अच्छा, अच्छी लाइट आती है। भाजपा को ही क्यों वोट करना चाह रहे हैं? नसीम अहमद को क्यों वोट दे रहे हैं आप? नसीम के लिए इसलिए दे रहे हैं कि वो अच्छा है, मतलब शांत स्वभाव। नसीम अच्छा है, झगड़ा वगड़ा नहीं करवाता, ये है मान। आप झगड़ा को ही क्यों टारगेट बना रहे हैं? विकास की को क्यों नहीं कर रहे भाई? आप जिनसे मैंने पूछा कि भाई झगड़ा कराता है, ये कराता है, उसको ही क्यों टारगेट? मम्मन झगड़ा कराता है इलाके में, वो सबको शांतिपूर्वक नहीं रखता। दूसरी पार्टी के साथ खड़ा होकर करवाता है वो, बिल्कुल। अच्छा, कैसे मतलब? जैसे मान लो हमारे दो पार्टी है, भाई 10-20-50-100 वोट उसकी भी है, तो उस पार्टी के संग हरदम खड़ा रहेगा, खड़ा। अच्छा। हाँ, पर हमारी कोई नहीं सुनी, कोई नहीं सुनता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है। किसको वोट जा रहा है इस बार? इस बार जी बीजेपी को।
बीजेपी को जा रहा है। हाँ जी, कौन प्रत्याशी आपके यहाँ से बीजेपी से? अब नसीम अहमद, नसीम अहमद प्रत्याशी है, नसीम अहमद को वोट जा रहा है। चलिए ठीक है भाई, बीजेपी को वोट जा रहा है, नसीम अहमद को जा रहा है। यहाँ नसीम अहमद के समर्थक जो है, नसीम अहमद का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। कहते हैं ना, नसीम जहाँ खड़ा हो जाता है, मुंडा का गांव में तो जो है आंधी है। मैं कहूंगा कि भाई यहाँ तो कोई क्या 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 बात कही आपने, बिहार बिहार और दोया में, दोया में मुंडा को दोया थी क्या? अच्छा, कितने परसेंट फिर क्या कर रहे हो अब की बार? अरे हम तो फुल परसेंट भी देखो साहब, पब्लिक जो है ना देख भाई, हम तो आप जान के तो फुल परसेंट उसी की है। हमने तो ये तो 80% नसीम जीता के भेजो हमारी तरफ। अच्छा, पिछले साल भी, पिछले साल भी जीता के भेजा। हां, पूरे सूत्र प्रोज पर परे परे हारो। अच्छा, और हम तो आप भी जीता के भेजेगा अहमद जी। यार तुम्हारे तो बिहार आए हैं, कोई भी हो चाहे रिश्तेदार, तो रिश्तेदारी लगाए। अच्छा, आप रिश्तेदारी निभा रहे हैं या विकास को वोट दे रहे हैं? हम तो भाई साहब, हम तो अपने हम लगा रहे हैं। आप जो है बीजेपी का समर्थक, एक बरकर छोरी आई हमारे नसीम के घर से। अच्छा, वो दूसरी अपने पार्टी से खड़ी हुई, बीजेपी से ना हुई। अच्छा, आपने चौटाला पार्टी से? हाँ, वो आई इससे पहले घर पहुंच गई, मन की ताऊ सिर के ऊपर हाथ धर दे, मन की बेटी बिल्कुल ना गई। अच्छा, मैं बीजेपी की वोट दूंगा, हमारा गांव बीजेपी की वोट। अच्छा अच्छा, उसके लिए कुछ दिया दान दक्षिणा ना ले जुआ। अच्छा, वोट नहीं तो दक्षिणा भी नहीं ली ना, मैंने ली ना। उसके बाद में साहब फिर टिकट मिल गई उसको, नसीम को। फिर वो आई बल्कि बेटा क्या मत बीजेपी की बस तेरी अब तू एक बड़ा दस बड़ा हाथ वाले ऊपर। अच्छा, ऐसा भी हुआ था? ऐसा हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जी। चलो ठीक है, बीजेपी के ये लोग फैन हैं और लगभग हमने सबसे ही बात कर ली। सारे गांव की सरदारी मौजूद व्यक्ति थे और उन्होंने यहाँ, अगर आज की निष्पक्ष सर्वे की हम बात करें मुंडा का सकरपुरी ग्राम पंचायत में, ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ नसीम का पड़ला भारी है। हम बात करें मुंडा का सकरपुरी ग्राम पंचायत में, ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ नसीम का पड़ला भारी है, यानी भाजपा का पड़ला यहाँ भारी है। रही बात, हर गांव से कांग्रेस भी वोट उठाती है, भाई हर गांव से हर नेता के अपने समर्थक होते हैं, लेकिन अगर यहाँ की बात करें, यहाँ नसीम अहमद भारी है। और जो है अब तरह तरह की बातें सामने आती है, लेकिन अब ये देखना होगा आखिरकार 5 अक्टूबर को मेवात फिरोजपुर झिरका विधानसभा की जनता किसको अपना एमएलए चुनती है और किसके सर ताज बांधने जा रही है। हालांकि नसीम अहमद का लगातार यहां जनाधार बढ़ता नजर आ रहा है।